आप शायद नवोदय के बारे में जानते होंगे, और नवोदय में आपने पढ़ा होगा या आप अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे। चलिए चलते हैं नवोदय की ओर, गहराई से पहचानते हैं। मैं नवोदय का छात्र और हम नवोदय और अच्छा बताने का अनुभव कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि नवोदय आने से पहले पिताजी ने मुझे बताया था कि JNVST का फॉर्म भरना है बेटा। तो मैंने JNVST का फॉर्म भरवाया और उन्होंने कहा अब परीक्षा होनी है, परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने तैयारी की। हमारा परीक्षा का समय कुछ महीनों बाद था, अप्रैल में हुआ था और लगभग जुलाई में रिजल्ट आ गया था। मैंने बापू को सपना था कि मैं पास हो जाऊं और मैंने पढ़ाई की और उत्तीर्ण हुआ। कुछ कहानियां नानी सुनाया करती थी, माँ की लोरियां याद आती थी। घर के वो दिन जब मस्ती किया करते थे हम, नवोदय में आते आते सब वहीं छोड़ आए हम। तब मस्ती का माहौल पढ़ाई का माहौल में परिवर्तन हो गया। जब नवोदय का बच्चा छठवीं में आता है तो वह अपरिचित रहता है। प्रिंसिपल सर ने करवाया था पहचान, स्टेज से किया था हमारा स्वागत। जब कक्षा में पहला कदम रखा मानो हम स्वर्ग मिल गए। दोस्त धीरे धीरे दोस्ती हुई, उन्हीं दोस्तों की धीरे धीरे शरारतें भी हुई, मस्ती भी हुई, पढ़ाई भी हुई और डांट भी हुई, पिटाई भी हुई। हम इतने शिक्षित हुए सर की डांट से कि आज हम सफलताओं की ऊंचाइयों पर हैं। हर नवोदिन की कहानी यही है, हर नवोदिन की कहानी यही है। आप चाहें तो इसे और डिफरेंट बना सकते हैं, परंतु आपको नवोदय में आना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तेरी जय नवोदय, जय जय भारत।